धन गुरु अमरदास मेरा दे दाते गोइंदवाल साहिब दी धरती ते शैबरा लांदे रहे। समा आ गया भाई जेठा जी ओ गुरु अमरदास दे घर विच आ पहुंचे ने। सिर ते टोकरियां चुकदे ने भावे दमाद ते सौरे दा रिश्ता बन चुका है। अज लखौर दे लोकां ने कहा है कि देखो जी जवाई बना के सिर ते मिट्टी दियां टोकरियां ढवांदे ने। गुरु अमरदास ने कहा बाबा बुढ़ा जी की तुहानू भाई जेठे दे सीस ते टोकरी भी नजर आउंदी है कि भाई जेठा मिट्टी पिया धोंदा है। इस पूर्ण पुरुष ने कहा नहीं दाता जी इन्हां कोल नजर कोई नहीं, असल विच ये टोकरी नहीं, भाई जेठे दे सीस उत्ते गुरु नानक दा छतर पिया चलदा है, इन्हां दे सीस ते छतर है। तन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह प्रापुर प्याना करन तो पहला फिर बाबे बुड्ढे नूं बुलाया गया। गुरु रामदास दे चरणा विच मत्था टेकिया ते बाबा बुड्ढा साहिब आप कोल आए। ओना ने इशनान करा के बस्तर भाई जेठा जी नूं पहना के दरबार विच लियाए। मत्था टेकिया गुरु अमरदास ने बाबे सुंदर ने अखां नाल अपने पड़दादे नूं मर्यादा निभांदिया देखिया जो कूक उठिया के देखो दुनिया दे लोको सतगुरु परतख हुंदे बैराज आप टिकाया सब सिख बंदक पुत भाई रामदास पैरी पाया। उन्हें देखिया उस कौतक नूं ते उन्हें बाणी विच कह दिता हर गुरै भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। गुरु अमरदास जी ने मत्था टेकिया बाबा बुढ़ा साहिब ने गुरियाई दी रस्म नभाई ते अपने वल्लों नमस्कार कर दिती। पर गुरता गद्दी देण तो पहला गुरु अमरदास बाबे बुढ़े नूं लैके गुरु रामदास जी दे नाल भाई जेठा जी दे नाल जिस धरती ते अज तुसी खलो के कहिंदे हो डिठे सबे थां नहीं तुद जेहा बद्दो पुरख विधाते तां तू सोया। जिस दिन इस शहर दी मोड़ी गड्डी गई उन्हां मोड़ी गड्डन वालियां विच वी बाबा बुढ़ा साहिब सी। तन गुरु अमरदास जी ने प्रापुर प्याना कीता बाबा बुढ़ा साहिब जी अमृतसर दी धरती ते पक्का मुकाम कर लिया। अज ए कुतबी सितारा जिथे जिथे गुरु जोत जांदी है ओथे नाल तुरिया जांदा है क्योंकि आद गुरु कह के गए ने बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खुश। टप लाना शुरू कीता कार सेवा आरंभ हो गई ते अज भी परिक्रमा विच खलोती हुई बेरी कह रही है लंघण वालियो मेरी शान दे थले बैठ के गुरु नानक दे सिख बाबे बुढ़े ने सिर ते टोकरियां भी ढोईयां ते संगत तो सेवा भी कराई। अज भी परिक्रमा विधि ओ बेरी बाबे बुढ़े दी गवाही पई दिंदी है ते कोल असी लंघने आ मैं इहनूं कर्म कांड ना समझियो ते मैनूं बुत पूजक ना समझियो। मैं उस बेरी कोल खलो के कई वारी पुछना वा के दस खां जदों तेरे थले बैठ के टोकरी रख के ए बिरध बाबा बैठदा सी ते गुरु रामदास दे ते नदरां टिकांदे सन इस बाबे दे चेहरे दा जलाल की हो जा सी। किन्नी कु रहमत सी उस बाबे कोल क्योंकि तू सदियां तो खलोती है तेरी आवाज कोई आत्मदर्शी महापुरुष सुन सकदा है तू इतिहास समेट के बैठी है मेरे थले बिरध बाबा टिकदा हुंदा सी।